A former Mumbai-based model alleged a case of love jihad against her Muslim husband, saying that the latter forced her to convert into Islam after continuous assault. Former model Rashmi Shahbazkar alleged that after 12 years of their marriage, she continues to be tortured by her husband to convert to Islam. मेरे जो हस्बैंड है और हमारी शादी 12 साल पहले हुई थी, मैं बर्थ से हिंदू हूँ और उसने मेरे को वो टाइम बोला था कि नहीं, आपको कन्वर्ट नहीं करने की ज़रूरत है. पर जब भी शादी के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर हमेशा रहा था कि कन्वर्ट करने के लिए, फिर कभी भी मैंने कन्वर्ट करने के लिए नहीं मानी थी मैं कभी भी. पर जब भी हमारा बच्चा हुआ 7 साल पहले, मेरा बच्चा 7 साल का है, मिखाइल शाहबाजकर, और जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ही इस बीन मुझे और भी परेशान कर रहा है कि तुमको पैसे लाओ, घर नया खरीदना है क्योंकि घर छोटा है, हमको बड़ा घर चाहिए, 2 बेडरूम का घर चाहिए, और तुम्हारे घर से पैसे लो, मैं इधर से पैसे लो, उधर से पैसे लो, और अच्छे से धीरे धीरे धीरे. पर हमें जब इस्लाम के बारे में कि तुम ये फॉलो करो, अभी मैं मुझे और अभी तब से चालू था इनका कि तंग करना हमेशा. मैं फिर भी जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने किया है, पर इनकी और इनकी फैमिली ने मुझे बहुत तंग किया है. और 3 साल से तो बहुत ही, जब से एक लड़की है इशिता सहगल करके, दिल्ली से है, पर शी वॉज माई कज़न ब्रदर्स गर्लफ्रेंड एंड शी वॉज लिविंग, वो यहाँ थी 9 या 10 साल से बॉम्बे में, दिल्ली से आई हुई थी, इधर पढ़ाई कर रही थी, और मैं उसको मेरा बच्चा समझ के मैंने उसको मेरे घर में रखा था. चीज आती थी, खाना खा के जाती थी. उनका कभी अफेयर 3 साल पहले चालू हुआ, मुझे नहीं पता. तंग आ गई सुन सुन के कि इस्लाम 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 की वजह से कि मेरे को छोड़ा है. 12 साल तक कोई नहीं बोल रहा था, अभी इसको एकदम से याद आ गया है. मेरे बच्चे से मेरे को डिनाई किया हुआ है. मेरा 7 साल का बच्चा 4 महीने पहले मेरे बिना नहीं रह सकता था, अभी 4 महीने से वो मेरे को बोलता है कि मम्मी तुम्हारे घर में ना शैतान रहते हैं क्योंकि तुम पूजा करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ उधर. Rashmi also claimed that her husband Asif thrashed her before she came to file the complaint with the police. After lodging the FIR, police rushed the complainant woman to a hospital where she is currently undergoing treatment.